A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today, I will teach you English. Now, I am going to take up chapter 7, Never Be Greedy. Means, हमें लालची नहीं होना चाहिए. चलिए students, इसका हम पहले introduction read करते हैं. Greed is a curse. लालच अभिशाप है. A greedy person can never be happy in his life. लालची इंसान कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहता है. रीड द स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी फिशरमैन. हम ये स्टोरी रीड करेंगे. ये स्टोरी किसकी है? एक लालची मछुआरे की है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देयर लिव्ड एन ओल्ड फिशरमैन इन अ स्मॉल विलेज. एक बूढ़ा मछुआरा एक गांव छोटे से गांव में रहता है. देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर हिम. उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता है. हिज वाइफ हैड डाइड लॉन्ग एगो एंड ही हैड नो चिल्ड्रन आइदर. उसकी जो वाइफ होती है वो ही बहुत लंबे समय पहले मर चुकी होती है और उसके कोई बच्चे भी नहीं होते हैं. ही हैड बिकम सो ओल्ड डैट ही कुड नो लॉन्गर गो आउट टू सी फॉर फिशिंग. वो इतना बूढ़ा हो चुका होता है कि वो समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने भी नहीं जा सकता. सो ही बिगिन फिशिंग इन द नियर बाई रिवर. तो वो कहाँ पर मछलियाँ पकड़ने का काम करता है? वह एक नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ने का काम करता है. Every morning he would go down to the river and sit there fishing the whole day long. वो हर सुबह नीचे नदी किनारे जाता है वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए और वहीं पर बैठ के मछलियाँ पकड़ने का काम करता है. In the evening he would sell whatever he had caught. और शाम होते होते जो भी मछलियाँ उसने पकड़ी हुई होती हैं वो शाम को जाके बेचता है. Buy food for himself, अपने लिए खाना है उससे. एंड गो होम. और फिर घर चला जाता है. इट वॉज रियली अ हार्ड लाइफ फॉर एन ओल्ड मैन. इससे क्या होता है? इससे जो उसकी ज़िंदगी होती है वो बहुत ही कठिन हो जाती है. वन हॉट आफ्टरनून वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन अ रिवर बैंक. एक दोपहर क्या होता है? वो एक नदी के किनारे बैठा हुआ होता है. एंड ट्राइंग टू कीप अवेक एंड बिमोनिंग हिज फेट. और अपनी किस्मत के लिए रो रहा होता है. सडनली अ लार्ज बर्ड विद सिल्वरी फेदर्स अलाइटेड ऑन अ रॉक नियर हिम. फिर अचानक से क्या होता है? एक बड़ा सा पक्षी जो कि सिल्वर कलर के जिसके फेदर्स होते हैं, फेदर्स मीन्स उसके पंख, वो एक चट्टान के पास में चट्टान पर वहाँ पे उतरती है. कौन उतरती है? एक बड़ा सा पक्षी उसके पास में. इट वॉज सिना लाइक अ हेवनली बर्ड. वो क्या होती है? एक स्वर्गीय पक्षी की तरह होती है. कौन है वो? सिना. इज देयर नन टू केयर ऑफ यू ग्रैंडपा. तो वो क्या बोलती है जो पक्षी है वो क्या बोलता है उनसे बोलते ग्रैंडपा कि आपकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है. आज अ बर्ड नॉट अ सोल. कोई भी नहीं है. यू शुड नॉट वर्क सो हार्ड एट दिस एज सेड द बर्ड. पक्षी ने कहा कि आपको इस उम्र में इतना काम नहीं करना चाहिए, इतना हार्डवर्क नहीं करना चाहिए. फ्रॉम नाउ ऑन आई शेल ब्रिंग यू अ बिग फिश एवरी इवनिंग. अब से मैं आपके लिए हर शाम एक बड़ी सी फिश दिया करूँगी, लेकर आया करूँगी. सेल इट एंड लिव इन कम्फर्ट. उसको आप बेचिए और आराम से रहिए. ट्रू टू हर वर्ड्स द बर्ड बिगिन टू ड्रॉप अ लार्ज फिश एट द डोर स्टेप्स एवरी इवनिंग. अब जो उसने कहा था वही हुआ. और उसने क्या किया? जो वो पक्षी था उसने एक बड़ी सी फिश लाकर रोज उसके दरवाजे पर हर शाम रख दे दिया करती थी. ऑल डैट द ओल्ड फिशरमैन हैड टू डू वॉज टेक इट टू द मार्केट एंड सेल इट. फिर जो बूढ़ा जो फिशरमैन था मछुआरा था उसको सिर्फ क्या करना होता था? उस फिश को मार्केट में लेके जाकर उसको सिर्फ बेचना होता था. एज देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड इन द मार्केट फॉर बिग फिश. क्योंकि जो मार्केट थे मार्केट में जो बाजार था उसमें बड़ी फिश की बहुत ज़्यादा डिमांड थी. ही वॉज सून रोलिंग इन मनी. उसके बाद फिर बहुत सारा पैसा हो गया. He bought a beautiful cottage near the sea with a beautiful garden around it. फिर उसने क्या किया? जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या किया? उसने एक नदी के पास जो समुद्र था उसी के पास में ही एक सुंदर सा कॉटेज लिया. वहाँ पे सुंदर सा गार्डन भी था. एंड engaged a servant to cook for him. और अपने लिए एक सर्वेंट रखा जो कि खाना पकाता था उसके लिए.
Now he decided to marry again. फिर उसने दोबारा शादी करने का सोचा and begin to look for a suitable bride और अपने लिए एक अच्छी bride भी ढूंढने लगा. Now one afternoon he was sitting in his garden when he heard the royal announcer making an announcement. एक फिर एक दोपहर क्या हुआ जब वो वहाँ पर अपने गार्डन में बैठा हुआ था तो वहाँ पर एक शाही जो अनाउंसर था वो वहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर रहा था. उसने वो सुनी. Our king has learned of a great bird called Sinat, said the announcer. अनाउंसर ने कहा कि हमारे जो हमारे राजा हैं उन्होंने एक बड़े से पक्षी सिना के बारे में सुना है. Whoever can give information about this bird and help to catch it will be rewarded with the half the wealth in the royal treasury and half the kingdom. जो भी कोई उस पक्षी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देगा उस बर्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देगा और उसको पकड़ेगा तो उसको एक अच्छा सा इनाम दिया जाएगा. इनाम में उसको क्या मिलेगा? आधा जो उनका शाही खजाना है उसका आधा धन मिलेगा और आधा किंगडम मिलेगा, आधा राज्य मिलेगा. द फिशरमैन वॉज वेरी मच टेम्प्टेड बाय द रिवॉर्ड. जो मछुआरा था इससे क्या हुआ और मतलब रिवॉर्ड का नाम सुनकर जो उसको इनाम का नाम सुनकर वो बहुत लालच में आ गया. हाफ द वेल्थ एंड द हाफ द किंगडम मतलब आधा धन और आधा किंगडम आधा राज्य. इट वुड श्योरली मेक मी अ किंग ही थॉट. उसने सोचा कि तो मेरे को इससे क्या होगा, मैं इससे पक्का राजा तो बन ही जाऊँगा. वाई डज अ किंग वॉन्ट द बर्ड ही आज. उसने पूछा कि राजा को वो पक्षी क्यों चाहिए. हिज सन हैज लॉस्ट हिज आई साइट, एक्सप्लेन द अनाउंसर. अनाउंसर ने कहा कि जो उसका उनका राजा का जो बेटा है उसने अपनी आंखें खो दी हैं. अ वाइज मैन हैज एडवाइज्ड हिम टू बेथ हिज आईज इन द ब्लड ऑफ सिना बर्ड. एक बुद्धिमान आदमी ने उन्हें सलाह दी है कि अगर वो उसकी आंखों को उससे जो सिना बर्ड का जो खून है उससे धोया जाए तो वो सही हो जाएंगी. Do you know where it can be found? क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ मिलेगी? No, I mean no, no. उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है. मेरा मतलब है कि मुझे नहीं. The old man was torn between greed and his sense of gratitude to the bird. जो बूढ़ा जो आदमी था वो बट गया. वो ये सोचने वो अपने उसको एक लालच भी था कि उस वो उसको राज मिलेगा, आधा धन मिलेगा, इस चीज़ का भी लालच था और दूसरा उसको एक आभार भी था उसका जो उस पक्षी ने उसके ऊपर किया था, आभार भी था उसके ऊपर. सो ही कुड नॉट गिव अ कोहेरेंट रिप्लाई. तो उसने कुछ सही से सही रूप में कोई स्पष्ट रूप में जवाब नहीं दिया. द अनाउंसर रियलाइज दैट द मैन ओल्ड मैन न्यू समथिंग अबाउट द बर्ड. जो अनाउंसर था जो ये सब बता रहा था बोल रहा था उसको ऐसा लगा कि ये जो आदमी है इसको कुछ ना कुछ तो पता है उस पक्षी के बारे में. सो ही इन्फॉर्म द किंग हु हैड हिम ब्रॉट टू द पैलेस. तो जो उसने जाकर अनाउंसर ने जाकर ये सब बातें राजा को बताई, पैलेस में जाके राजा को बताई. तो फिर राजा ने उनको पैलेस में बुलाया अपने. If you have any information about the bird, tell me, urged the king. जो राजा थे उन्होंने क्या बोला बूढ़े आदमी से, उससे बोला कि अगर तुम्हें कुछ भी उस पक्षी के बारे में पता है तो बताओ. I will give you handsome reward and if you help to catch it, I will personally crown you as a king of half my kingdom. अगर तुम मुझे बता देते हो, अगर तुम उस पक्षी को पकड़ने में मेरी मदद कर देते हो, मुझे बता देते हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा और मैं तुम्हें पर्सनली मैं खुद से तुम्हें यहाँ का जो ताज है वो राजा का जो ताज है वो मैं तुम्हें पहनाऊँगा, अपने आधे किंगडम का ताज मैं तुम्हें पहनाऊँगा. बाय नाउ ग्रीड हैज़ प्रिवेल्ड अपॉन द मैं ओल्ड मैन. फिर इससे क्या हुआ, जो वो बूढ़ा आदमी था उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा लालच में आ गया. ही विल गेट द बर्ड फॉर यू. आई विल गेट द बर्ड फॉर यू. मैं आपके लिए वो पक्षी लेकर आऊँगा, क्राइड द फिशरमैन. फिशरमैन ने ऐसा कहा. सडनली मेकिंग अप हिज माइंड, अचानक से उसने ऐसा अपना मन बना लिया. बट सिना इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बर्ड, आई शिल नीड हेल्प. लेकिन जो सिना है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बर्ड है, बहुत ही ताकतवर पक्षी है, तो मुझे आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी. द किंग एग्रीड टू सेंड सम सोल्जर्स विद हिम. जो राजा थे वो फिर मान गए अपने कुछ सोल्जर्स को उनके साथ भेजने के लिए बूढ़े आदमी के साथ में. दैट इवनिंग व्हेन द बर्ड केम विद द फिश द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हर.
जैसे ही फिर जब शाम हुई, जब वो पक्षी एक फिश को लेकर आया, एक मछली को लेकर आया ओल्ड मैन के पास में, तो उसने जो बूढ़ा आदमी था उसने उसको बुलाया, यू ड्रॉप द फिश एंड गो एंड आई नेवर गेट अ चांस टू थैंक यू फॉर ऑल। तुम यहाँ पर रोज आती हो, यहाँ पर एक फिश को छोड़कर जाती हो और मुझे कभी तुम्हें धन्यवाद देने का भी चांस नहीं मिला। डेट यू हैव डन फॉर मी, जैसा तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए, ही सैड, उसने कहा। टुडे आई हैव अरेंज्ड अ ग्रैंड फीस्ट फॉर यू इनसाइड, आज मैंने तुम्हारे लिए एक भव्य दावत रखी है अंदर। प्लीज़ एक्सेप्ट माई इन्विटेशन एंड कम इन, प्लीज़ मेरा इन्विटेशन को एक्सेप्ट करो और अंदर आओ। ऐसा किसने बोला? ऐसा बूढ़े आदमी ने बोला। एट फर्स्ट सिना वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, बट द ओल्ड मैन pleaded so earnestly that she finally came in and alighted. पहले तो जो सिनावर्ट थी उसको, वो असंतुष्ट थी, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर उसने जब बूढ़े आदमी ने उसको बहुत ज़्यादा जोर देकर कहा तो वो फाइनली मान गई और नीचे उतर आई। द मोमेंट शी केम डाउन ऑन द ग्राउंड द ओल्ड मैन grabbed one of her legs. जैसे ही वो थोड़ा नीचे आई, ग्राउंड पर आई, तो जो बूढ़ा आदमी था उसने उसके एक पैर को पकड़ लिया एंड shouted to the soldiers, और जो soldiers से मतलब वहाँ पर जोर से आवाज़ लगाने लगा, उनको बुलाने लगा, जो कि hiding in his house too came out and help him, जो कि उसके घर में अंदर छुपे हुए थे उसको फिर मदद करने के लिए बाहर आए। They rushed out to his aid but even their combined efforts could not keep Sina down. उन्होंने बहुत कोशिशें की उसको नीचे लाने की, उन्होंने सबने मिलकर बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उनको, जो सिना बर्ड है उसको नीचे नहीं ला पाया। She rose into the air with the old man still clinging onto her leg. जो वो बर्ड थी वो हवा में उड़ गई, उड़ने लगी, और साथ में जो उनके जो पैर उसने पकड़े हुए थे ओल्ड मैन ने, वो भी उनके साथ उड़ने लगा, क्योंकि उसने पैर पकड़ा हुआ था तो वो भी साथ में उसके ही उड़ने लगा, और वो तो बहुत ताकतवर थी वो पक्षी। तो ही रियलाइज्ड ही वॉज बीइंग कैरिड अवे, फिर एक समय के बाद उसको ये रियलाइज हो गया कि वो भी उसके संगी जा रहा है। द ओल्ड मैन वॉज हाई अप इन द एयर, जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ऊंचा ऊंचा जाने लगा हवा में। ही हंग ऑन ग्रिमली एंड फ्रॉम दैट डे, वो वहाँ पर इतनी बुरी तरीके से वहाँ पे हैंग हो गया कि उस दिन के बाद से नाइदर ही नॉर सिना बर्ड एवर सीन अगेन, ना ही उसको ना ही सिना बर्ड को कभी देखा गया। वो उस तरीके से वहाँ पे उड़ गए थे वो लोग, वो कभी भी दोबारा लौट कर नहीं आए दोनों ही। नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर रीड किया है, ये चैप्टर आपको भी अच्छे से रीड करना है, स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम करेंगे इस चैप्टर के वर्ड बास्केट। ओके, ये जो वर्ड मीनिंग्स है ये आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। पहले आप चैप्टर नंबर लिखेंगे, देन चैप्टर नेम, उसके बाद में ये मीनिंग्स नोट करेंगे। चलिए हम देखते हैं इसमें वर्ड्स क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट इज फिशरमैन, फिशरमैन मीन्स वन हु कैचेस फिश, जो कौन होते हैं फिशरमैन, जो कि फिश पकड़ते हैं। नेक्स्ट इज फिशिंग, फिशिंग क्या होता है, एन एक्ट ऑफ कैचिंग फिश, जो फिश पकड़ने का काम होता है वो क्या होता है, फिशिंग। नेक्स्ट इज बिमोनिंग, बिमोनिंग क्या होता है, लैमेंटिंग, ये क्या होता है, रोना पीटना। नेक्स्ट इज कॉटेज, कॉटेज क्या होता है, शेल्टर हट, ओके शेल्टर रहने की जगह। नेक्स्ट इज किंगडम, किंगडम क्या होता है, अ टेरिटरी रूल बाय अ किंग, मतलब एक राज्य। नेक्स्ट इज कॉरेंट, कॉरेंट क्या होता है, कॉरेंट मीन्स क्लियर, ओके कॉरेंट का मीन्स क्या दिया हुआ है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है हैंडसम, हैंडसम वर्ड का मीन्स क्या है, ब्यूटीफुल, सुंदर। नेक्स्ट इज फीस्ट, फीस्ट मीन्स पार्टी, दावत। नेक्स्ट इज रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग, मतलब असंतुष्ट। नेक्स्ट इज ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मीन्स कॉट सडनली, मतलब अचानक से पकड़ना। ओके क्लियर स्टूडेंट्स।